का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। हम लोग 972 बच्चे इस वक्त रोडों के ऊपर बैठे हुए हैं। पांचवा दिन है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन ना हमारी सुन रही है ना कुछ। हम लोग बेवकूफ थोड़ी है इधर बैठे हुए हैं। पढ़ना अगर पाप है तो आज से पढ़ेंगे नहीं जनाब, माफ कर दो गवर्नर साहब, दोबारा कभी नहीं आएंगे सिलेक्टेड लिस्ट में। गलती हो गई हम लोगों से, हमें इधर गटरों में बिठाया हुआ है, ना कोई पूछने आता ना कुछ करने आता है, सिर्फ पॉलिटिक्स करके चले जाते हो यार। हमें सिलेक्शन लिस्ट दे दो हमारी, अगर कोई ऐसा कुछ है आप क्यों नहीं कुछ करते हो यार। हमें बोला जाता है कि रूमर है, कहां पर रूमर, अगर है तो ऑफिशियली दिखा दो ना उसको कि रूमर था, हम चले जाएंगे उठ के घर पे। बेवकूफ है क्या यहाँ पर बैठे हुए। मैं तो ये बोलता हूँ अगर मैं कल को मर भी गया ना यहाँ पर, उसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ऐसे नहीं मैं घर जाने वाला, हमने पढ़ा हुआ है, दो दो साल तीन तीन साल मेहनत की हुई है। आप हमारे पिछले दो दो तीन तीन साल के रिकॉर्ड उठा के देख लो ना यार, बोलते पैसे दिए यार। हमारे पास अगर 25 लाख 30 लाख देने को होता हम यहाँ रोडों में बैठे होते, हमें ऐसे बेवकूफ बनाया जा रहे हो। सर ये पहला केस है जिस केस में स्टूडेंट्स खुद कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करो यार, अपने लेवल पे जो करना है करो यार आप लोग, बट हमारे साथ तो नहीं करो ऐसा यार। हमें तो दे दो ना हमारा हक दे दो, हम कोई भीख मांग रहे हैं यहाँ पर बैठ के इतनी देर से ना एडमिनिस्ट्रेशन। कल गवर्नर साहब ने आवाम की आवाज में सब कुछ बोला, हम लोग नहीं दिखे उनको, सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ, अकेला ठोक दिया यहाँ पर हम लोगों को, बेवकूफ बनाए जा रहे हो। पांचवा दिन है आज हम लोगों को यहाँ पर, घर से कोई घर से निकाला हुआ है क्या हम लोगों को, अपने हक के लिए आए हैं यार। मेहनत करना अगर पाप है ना हम नहीं करेंगे जनाब, माफी दे दो, पर इसमें सोच लो एक बार, बैठे हुए रोडों के ऊपर या मरने का वेट कर रहे हो। अगर वैसा है तो वहां से शुरू कर देते हैं एक एक करके, देख लो कितने दिन तक सहन कर सकते हो आप लोग यार। है ही नहीं कोई ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ जैसे, बेवकूफ बनाया जा रहे हो।